सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लूट लो। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने वाला हूँ एक नया विड्रॉल वीडियो, जिसके अंदर दोस्तों आपके पास एक टोकन पड़ा हुआ है जिसका नाम है दोस्तों, वो आगे आपको बता दूंगा कि क्या नाम है क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कर लेना ऑल, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलेगी और आप सबसे पहले लूट पाओगे। प्लस यहाँ पर जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारा जो ये सारा जो भी एप्लीकेबल जो रिप्लाई वगैरह मैं करता हूँ, इंस्टेंट रिप्लाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिस तरीके आपको हेल्प चाहिए, सारी हेल्प आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कर दी जाती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैं किस टोकन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किस टोकन को विड्रॉल करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको विड्रॉल वीडियो दे रहा हूँ, तो ये नहीं बोलूंगा कि आप अभी विड्रॉल करो, ठीक है। तो अब मैंने आपको विड्रॉल वीडियो दे दिया है, इसका मतलब आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक चीज़ जरूर देखना कि अभी जो टोकन का प्राइस है काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो आज वीडियो को देखने के बाद तुरंत मतलब यहाँ पर आप विड्रॉल मत करना, ठीक है। बस मैं आपको प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप विड्रॉल को समझ सको, कैसे विड्रॉल करना है, कैसे पेटीएम पर लेना है। वैसे सभी को पता है कि आसान प्रोसेस होती है इस चीज़ की, ठीक है। तो सभी लोगों ने विड्रॉल कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, काफ़ी दिन मतलब दो तीन दिन पहले यहाँ पर हमारे पास में ना दो से तीन दिन पहले हमने एक नई लूट दी थी जिलिका वाली, ठीक है, जिसका पेमेंट प्रूफ मेरे पास में 300 प्लस पेमेंट प्रूफ यहाँ पर आ चुका है, मतलब 300 तक का पेमेंट प्रूफ यहाँ पे मेरे पास में आ चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने सारे जो पेमेंट प्रूफ है यहाँ पे शेयर नहीं किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को इतना दिखाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इतने सारे पेटीएम प्रूफ जो हमारे पास में आ चुके हैं, तो आप सभी लोग समझ सकते हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जिलिका वाले देखो सभी टोकन कितनी अच्छी तरीके से अर्निंग किए यहाँ पर, और सबसे शानदार अर्निंग सभी लोगों ने किया यहाँ पर। देखो ये क्या है, लूटेड फ्रॉम 5 अकाउंट, मतलब कि इन बंदों ने 5-5 अकाउंट से लूट लिया यहाँ पर, मतलब कि शानदार रनिंग कराई है सभी लोगों ने जिलिका से, ठीक है। और हर मंथ इस तरह की इंस्टेंट पेमेंट वाली लूट आपके लिए लाता रहूँगा मैं हमेशा, हर बार बस एक्टिव रहो हर मंथ के लिए, ठीक है। हर मंथ में जैसे आपको सभी को याद होगा, हर मंथ आपके लिए मिलती है एक इंस्टेंट लूट, ठीक है। तो हमेशा एक्टिव रहा करो, हर मंथ आपको दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि इस मंथ में आपको जिलिका वाली दी थी, इससे पहले वाले मंथ में आपको मैंने एक वो REL वाली दी थी, RLE वाली, ठीक है। उससे पहले वाले फिर से मैंने एक और जिलिका वाली दी थी, उससे पहले मैंने आपको फिर से एक और दी थी ट्रोन वाली दी थी, इंस्टेंट पेमेंट जो कि बॉट से आपको ट्रोन मिल रहा था, ट्रोन TRX एड्रेस, ठीक है। जो भी यही मिल रहे थे टोकन आपको सभी को इंस्टेंट पेमेंट वाली, हर महीने आपको ऐसी लूट जो है दी जाती है, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको एक डिजिटल दुकान वाला दिया था, सारी वीडियोस आपको मैं इंस्टेंट पेमेंट वाली देता हूँ, हर महीने आपको ये चीज़ मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों आज मैं किस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ, उस चीज़ को जल्दी से मैं बता देता हूँ कैसे विड्रॉल करना, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी प्राइस डाउन है, इसलिए भाई इसको विड्रॉल मत करना। आपको देखो प्राइस कैसे चेक करना है, वो चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो ताकि आप मतलब जब भी सेल करने जाओगे तो आपको पता लग जाए कि अभी प्राइस डाउन है, और जब प्राइस हाई होगी तो आप अपने ऑटोमेटिकली जब भी आपका मन करे तो उसको सेल कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, सबसे चले जाना आपको यहाँ पे ट्रोन लिंक एप्लीकेशन प्रो है, इस पे चले जाना है। दोस्तों ये है मेरा अकाउंट, ठीक है, ट्रोन वाला अकाउंट। इसके अंदर आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1550 जो मेरे टोकन है RLE टोकन, सभी के वैसे ये टोकन आ चुके होंगे, ठीक है। अब जिसके भी टोकन नहीं आए थे ना, मतलब कि जिन्होंने मतलब 8 अक्टूबर से पहले इनको TRX सेंड करना था, तो सभी लोगों ने 8 अक्टूबर से पहले अगर TRX सेंड किया था, सभी के टोकन पहले ही आ चुके थे 8 से 10 तारीख के बीच में। लेकिन अगर 10 तारीख के बाद में या फिर 8 तारीख के बाद में उन्होंने TRX सेंड किया था RLE वालों को, ठीक है, तो उनका पेमेंट उनकी ये वाली जो 1550 टोकन है ये उनको कम मिलेंगे, मैं बताऊँ, ठीक है। आज होगी 18 तारीख, ठीक है, 18 से लेके 20, मतलब कि फर्स्ट उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन डेट थी वो 8 से 10 थी, और सेकंड वाली डिस्ट्रीब्यूशन डेट 18 से 20, मतलब कि अभी चल रही है, आज 18, 19, 20, मतलब 3 दिन तक अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। तो जिसके टोकन नहीं मिले थे और TRX अगर उन्होंने सेंड कर दिया था, तो उनके टोकन इन 3 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों देखो यहाँ पर करना कुछ जिस तरीके से आपके यहाँ पर टोकन आ जाते हैं, अब आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सभी को पता है कि यहाँ पर भाई जो भी आपको विड्रॉल करना होता है, तो विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर मिनिमम आपको 1 TRX की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं विड्रॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों चार्ज मतलब जो भी है चार्ज, तो क्या अभी जो टोकन का प्राइस है काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, और ना आपको बोलूँगा कि आप अभी सेल करो, ठीक है। बस प्रोसेस देख लो, आपको पता होना चाहिए ताकि आप बाद में इनको विड्रॉ कर सको, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, देखो RLE टोकन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, RLE टोकन। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर डिस्कवर पर क्लिक करना, जैसे कि हर बार हम करते थे। डिस्कवर पर करने के बाद यहाँ पे जस्ट उस ऐप का ऑप्शन आ रहा है बीच में, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने सारे यहाँ पे जो भी टोकन से यहाँ पर आला हो जाएंगे, मतलब कि इनेबल यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से टोकन आपको उससे सेलेक्ट करने हैं, वो सारे टोकन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तभी हमको करना क्या, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ऊपर आपको सेलेक्ट अ टोकन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, RLE टोकन पे यहाँ पे सर्च कर लेना है। उसके बाद में देखो नीचे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, तो इसको हमें सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपका जो बैलेंस यहाँ पर बैलेंस शो हो जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया, और ध्यान रखिए यहाँ पे RLE होना चाहिए और यहाँ पे TRX होना चाहिए, ठीक है। अगर TRX नहीं है तो यहाँ पे TRX कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि RLE से हमें TRX में चेंज करना है, स्वैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या, देखो प्राइस कैसे चेक करनी है, अभी तो आप यहाँ पे
देखो कि 1550 टोकन का जो प्राइस है हमें TRX में कितना मिलने वाला है। TRX में हमें मिलने वाला है 4.1, ठीक है। और 4.1 मतलब कि एक तरह से मान लो कि एक TRX का जो अभी प्राइस चल रहा है अभी रेगुलर डेज में वो चल रहा है 1.98, मतलब कि आपका जो भी है 4 TRX का टोटल मिला के 8 रुपये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। 8 रुपये से भी कम, मतलब 7.5 रुपये या फिर 7.25 रुपये तक बन रहा है, ठीक है। तो इससे कोई हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इसका जो प्राइस है वो दोस्तों आपको 50 रुपये पर अकाउंट, 50 रुपये, 60 रुपये इस तरीके से मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर आपको 25 TRX मिलेगा, ठीक है। तो 1550 का जिस दिन प्राइस हाई हो जाएगा ना यहाँ पे 25 टोकन तक का, तब आप इसको कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों देखो, इससे जब आप यहाँ पे 25 TRX आपको मिलने लगेगा, जैसी प्राइस हाई होगी तो यहाँ पे 25 TRX हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्रूव्ड RLE, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्रूव RLE, जब करना जब आपके पास में TRX पड़ा होना चाहिए, ठीक है। बैंक बैलेंस में कुछ TRX पड़ा होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास में 0.2 है। तो अभी यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप अप्रूव्ड RLE पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है वो अप्रूव्ड RLE हो जाएगा। तो उसमें 1 से 2 मिनट आपको लगने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे उतना पे करने के बाद में फिर से आप क्या करोगे, देखो अप्रूव्ड RLE हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको फिर से असिस्ट पे आ जाना। असिस्ट पे आने के बाद में ना फिर से डिस्कवर पे क्लिक कर लेना है। डिस्कवर पे जाने के बाद फिर से जस्ट उस ऐप पे जाना है और फिर से आपको वही टोकन फिर सेलेक्ट करने हैं। जैसे ही अप्रूव्ड करने के बाद फिर से वही प्रोसेस करनी है जो आपने पहले करी थी, ठीक है, एक्सचेंज वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो इस पर वापस से मैं RLE को ले लेता हूँ। RLE मैंने ले लिया है। उसके बाद दोस्तों देखो फिर से यही प्रोसेस आ गई है। यहाँ पे आपका जो अप्रूव्ड हो जाएगा ना, तो अप्रूव्ड होने के बाद आपका ये टोकन नहीं जाएगा, ठीक है। बैलेंस कुछ भी कम नहीं होगा, सिर्फ आपका जो भी चार्ज है 0.7 0.3 TRX जो चार्ज है वो यहाँ से कटेगा, ठीक है। TRX में से कटेगा वो चार्ज, ठीक है, 0.3 वगैरह करके कुछ ऐसा कटेगा। तो आपको करना कुछ नहीं, जैसे पहली बार अप्रूव्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, तब यहाँ पे करना क्या, जैसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं अभी मैंने तो क्या अप्रूव्ड नहीं कर रखा है, ठीक है। तो जैसे अगर आप अप्रूव्ड कर दोगे पहली बार में, तो दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस जब फिर से आप यही प्रोसेस को फिर से करोगे एक बार और बैक करके, तो आपके सामने डायरेक्ट स्वैप का ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर स्वैप करोगे, अप्रूव्ड का ऑप्शन नहीं आएगा आपके सामने, ठीक है। जब अप्रूव्ड अगर कर दोगे ना तो उसके बाद नहीं आएगा ऑप्शन ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, स्वैप ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। स्वैप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ना आपका यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और आपका जो भी है ये स्वैप हो जाएगा। स्वैप होने के बाद में कहाँ चला जाएगा ये सारा चीज, आपका जो RLE टोकन होगा ये आपका चला जाएगा कहाँ पर, TRX के अंदर, ठीक है, TRX के अंदर चला जाएगा। उसके बाद में अगर आपको देखो TRX अगर एक ही अकाउंट में लेना चाहते हो तो आप एक अकाउंट में ले लो। जैसे कि आपको सभी को पता है कि ट्रोन एप्लीकेशन है, इसके अंदर सभी के मल्टीपल अकाउंट होंगे। जैसे कि इस तरीके से ये मेरे अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेरे अकाउंट आपको शो हो रहे हैं, इसी तरीके से आपके भी शायद मल्टीपल अकाउंट होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सभी TRX को एक अकाउंट के अंदर ले सकते हो, फिर सभी TRX को एक अकाउंट में लेने के बाद कॉइन स्विच एप्लीकेशन पर ले सकते हो, ठीक है। कॉइन स्विच एप्लीकेशन दोस्तों ये है, यहाँ पर आप सभी ये प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो कॉइन स्विच एप्लीकेशन। इसमें KYC भी करनी पड़ती है आपको, अगर यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह करना है तो KYC करनी पड़ेगी, या फिर आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, तो हर चीज़ के लिए यहाँ पर KYC जरूरत होती है, ठीक है। तो आप KYC जरूर कर लेना, उसके बाद में ही इसको यूज़ करना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे पहले TRX में एक्सचेंज कर लो, उसके बाद में TRX आप मुझे दे सकते हो, मैं आपको पेटीएम करा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हम RLE टोकन को इकट्ठा कर सकते हैं एक अकाउंट में। तो दोस्तों आप RLE टोकन को भी इकट्ठा कर सकते हो एक अकाउंट के अंदर। जैसे कि दोस्तों देखो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या प्रोसेस है। जैसे अभी मेरा पड़ा हुआ है, सपोज़ मेरा यहाँ पर देखो ये 1550 पड़ा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, दूसरे वाले अकाउंट पे सेंड करना है, दूसरे वाले अकाउंट पे मुझे सेंड करना है। मैं इस वाले अकाउंट के अंदर सेंड कर देता हूँ इनको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले देखो ये वाला अकाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3100 है यहाँ पर टोकन मेरे, और सभी को मैं एक के अंदर सेंड कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिसीव पे क्लिक करूँगा, इसका मतलब रिसीवर एड्रेस निकालूंगा, कॉपी दी कलेक्शन अकाउंट पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मैं बैक करूँगा, इस मतलब इस अकाउंट से मैंने RLE का एड्रेस निकाल लिया। उसके बाद में इसके अंदर मैं सेंड कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने दूसरा अकाउंट ओपन किया और यहाँ पर जाकर ये 1500 वाले पे सेंड पे क्लिक किया। सेंड पे क्लिक करने के बाद जो एड्रेस हमने कॉपी किया था इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैक्सिमम पे क्लिक किया और सेंड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। हमारा इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं करता है। तो मैंने ट्रांसफर नाउ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो भी है इसका पासवर्ड वगैरह दे दिया मैंने। तो दोस्तों जो मेरा ये कंफर्म हो चुका है, अब यहाँ पे थोड़ी देर में वेट करूँगा। तो यहाँ पर देखो माइनस भी हो गया है मेरा, और माइनस होने के बाद हम अपने जो वॉलेट है उस जिसके अंदर हमने सेंड किया है उसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेंड किया था इस वाले वॉलेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आके जल्दी से मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो टोकन है वो आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो नीचे नीचे RLE पे हम फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखो यहाँ पे जल्दी से रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पेज को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा इंस्टेंट में यहाँ पर बढ़ चुका है, और यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे 1:41 में यहाँ पे आ चुका है, अभी 42 मिनट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 1500 टोकन मेरे इंस्टेंट आ चुके हैं, ठीक है। अब आप इस
तरीके से भी कर सकते हो कि सभी RLE टोकन को एक अकाउंट पे ले लो, उसके बाद में एक TRX ही, सिर्फ एक TRX चार्ज लगेगा, ठीक है। आपको हर अकाउंट में एक TRX की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अगर बस सारे टोकन RLE टोकन को एक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है, उसके बाद में एक अकाउंट से आपको क्या करना है, बस एक अकाउंट से ही आपको स्वैप कर लेना है, जिससे एक TRX का चार्ज लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगर आप हर अकाउंट से अलग अलग बार RLE को करोगे एक्सचेंज, तो आपका दो तीन जितने भी अकाउंट होंगे उतने आपको TRX की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा आपको लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन आप क्या करोगे, एक ही अकाउंट के अंदर RLE टोकन यहाँ पर जो है कलेक्ट कर लोगे, और कलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे एक्सचेंज कर लेना बाद में, ठीक है। तो जब आपकी प्राइस यहाँ पर हाई होती है, ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट के अंदर सारे RLE टोकन आपके एक अकाउंट पर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक TRX की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, 2 रुपये से आपको एक TRX मिल जाता है 2-3 रुपये में, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो जो कि आपको कल मिलने वाली है।